Hi, Somik. Great to have you on my channel. So let's start with your introduction first. Yeah, thank you, sir. Niti sir. So hi guys. My name is Somik Day, and I have graduated in 2021. And I am from Computer Science Department. And पहले से मतलब like 2021 से मैं software domain में था. Basically JavaScript पे काम किया, Python पे काम किया. मेरा पिछला वाला जो कंपनी था HSBC था, HSBC में, तो वहां पे मुझे ब्लॉकचेन मिला था. तो ब्लॉकचेन मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था, लेकिन मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे काम था, फ्रंट एंड पे काम था. तो और मुझे पहले से ही मशीन लर्निंग पे मतलब जाना था, मतलब स्विच करना था, लेकिन फ्रेशर्स के लिए उतना पॉसिबल नहीं होता, लाइक अपॉर्चुनिटीज कम मिलता है. तो मैं क्या कर रहा था, साइड बाई साइड खुद से प्रिपेयर कर रहा था, इंडिविजुअली कर रहा था. कुछ अच्छा अच्छे यूट्यूब चैनल्स है, फिर कैगल है, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स है, सब करके मेरा अपना एक पोर्टफोलियो बनाने का कोशिश कर रहा था जो मैं शोकेस कर सकूं. तो एज ए फ्रेशर सो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम था, लेकिन लाइक टू मंथ्स या थ्री मंथ्स पहले कुछ कुछ पर्टिकुलर सर्विस कंपनी में बहुत सारे आया था, मतलब ओपनिंग्स आया था कि वो लोग को 1+ एक्सपीरियंस या 6 मंथ्स प्लस एक्सपीरियंस अगर रहा तो वो लोग हायर करने के लिए इंटरेस्टेड है. तो मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन के थ्रू अपना रिज्यूमे भेजा, तो वो लोग रेफरल दिया. 3-4 कंपनी में मैं बैठा, इंक्लूडिंग लाइक फ्रैक्टल में बैठा मैं, टाइगर एनालिटिक्स में बैठा मैं, डेलॉयट पे बैठा मैं, ये तीन पे बैठा मैं, तीनों में हुआ था. तो तीनों में से टाइगर का मेरा सारा वर्क कल्चर एंड उसका जो मतलब अभी काम का जो चल रहा है, जिस डोमेन पे काम करता है, वो डोमेन मुझे इंटरेस्टिंग लगा, लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा था टाइगर के बारे में, तो मैं टाइगर ज्वाइन किया. तो अभी 3 मंथ से काम कर. यू आर फ्रॉम अ Tier 2, Tier 3 कॉलेज इफ आई एम करेक्ट. Yes. From West Bengal, right? Makaut is your university. So you graduated from a Tier 3 college in 2021, I guess. 2021. And you were from computer science background, and if I remember correctly, tumhara first job was into software domain, like core software development. Software domain. तो कौन से कंपनी में तुमने तब ज्वाइन किया था? जो फर्स्ट कंपनी मेरा था, एकदम फर्स्ट मेरा था Cognizant, वहां पे मतलब कैंपस से हुआ था मेरा. तो उस पे वहां पे मुझे जावा पे काम था, ठीक है. तो उसे 4 मंथ का ट्रेनिंग था, फिर जावा और AWS का मिक्सचर, मतलब एक जावा प्लस AWS में एक डोमेन पे डाल दिया था. तो फिर मैंने स्विच किया, उसका नाम था Etcero, स्टार्टअप बेस्ड कंपनी था, उसमें मुझे सेल्स फोर्स में डाल दिया. और लिटिल बिट मैं डेटा एनालिटिक्स डोमेन पे भी काम किया, मतलब स्नोफ्लेक है एक ETL टूल है, उस पर थोड़ा काम किया. तो उस पर जब मैं काम कर रहा था ना, तब मैं देखा कि डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, इसका मतलब बहुत ज्यादा, मशीन लर्निंग का तो पहले ही पता था, लेकिन डेटा इंजीनियरिंग, ETL, ये सब और मशीन लर्निंग सबका मिक्सचर में एक बहुत अच्छा, मतलब अच्छा एक्सपोजर है इन द फ्यूचर ऑल्सो, मतलब जैसे चल रहा है सब कुछ. तो तब से ही मैं सोचा था कि मशीन लर्निंग करता था, लेकिन ऐसा नहीं, सीरियसली कुछ नहीं था. लेकिन उसके बाद मैं सोचा नहीं, अच्छे से अपना पोर्टफोलियो रेडी करेंगे, अच्छा अच्छा मतलब टॉप कंपनीज में कैसे पूछता है, राउंड्स कैसे रहता है, कोडिंग पूछता है तो किस मतलब कितना स्टैंडर्ड पूछता है, मीडियम या हाई. लीड कोड में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता था मैं, तो ये सब था. उसके बाद मेरा तो पे लगभग जून पे मैं ज्वाइन किया था 2021 पे, और मैं 6 to 7 months काम किया था. उसके बाद मैं मुझे HSBC में मिला. तो HSBC में पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मिला था, लेकिन HSBC में बहुत सारे ML रिलेटेड प्रोफाइल था. तो मेरा ये था कि मैं कुछ दिन काम करूंगा, फिर ML में स्विच कर जाऊंगा. तो लेकिन मुझे ब्लॉकचेन में डाल दिया. तो ब्लॉकचेन पे ऐसा केस है कि वो लोग का एक एक प्रोजेक्ट 2-2.5 साल का होता है. Right. तो 2.5-3 साल अगर मैं ब्लॉकचेन पे काम करूँ, तो फिर मुझे उस पे मतलब अच्छे से एक्सेल करना है. तो मेरा जो मशीन लर्निंग वाला चीज है, जो मैं मतलब मेरा एक एम था, वो मतलब उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाता. तो उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन लिंक्डइन में मतलब काफी सारे ओपनिंग्स आ रहे थे. अभी भी अगर आप देखेंगे लिंक्डइन में, लाइक टाइगर का, फ्रैक्टल का, म्यू सिग्मा का, द मैथ कंपनी का, अभी भी रेफरल्स चल रहा है, मतलब अच्छा खासा चल रहा है वो लोग का. मतलब एक रीजन है कि बहुत ज्यादा उन लोग का फंडिंग मिल रहा है, और CPG डोमेन एक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स करके एक डोमेन है, उसपे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं लोग.
तो उसके हिसाब से ये चार कंपनी में अच्छा खासा अभी भी चल रहा है ओपनिंग. तो उस समय मुझे काफी सारे रेफरल मैंने देखा, तो एजेंट को मैं अप्रोच किया, एक नहीं बहुत सारे लोग के अप्रोच किया. तो अप्रोच किया तो मुझे टाइगर का मिला एजेंट से, फ्रैक्टल का मिला. फ्रैक्टल का डेटा साइंस का था, टाइगर का डेटा एनालिस्ट का था, और डेलॉइट में था पाइथन प्लस AWS प्लस प्लस ML, ऐसा करके प्रोफाइल था डेलॉइट पे, कंसल्टिंग टाइप का प्रोफाइल था. तो पहले मेरा डेलॉइट का एग्जाम था, तो एग्जाम के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा. तो पहले मेरा डेलॉइट का एग्जाम था. तो अभी क्या अपना प्रिपरेशन बताओ या एग्जाम मतलब कंपनीज के बारे में बताओ क्या क्या सर? ठीक है, पहले अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताओ, तो उसके बाद हम लोग तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सुनते हैं. ओके ओके ओके. सो लाइक डेलॉइट पे मेरा पहला एग्जाम था. तो वहां पे क्या था कि 7 या 8 एमसीक्यूज थे पाइथन रिलेटेड. पाइथन थे, ओप्स थे, एसक्यूएल थे, ठीक है. और उसके बाद 2 कोडिंग था. 2 कोडिंग बहुत सिंपल था डेलॉइट में, बहुत ज्यादा सिंपल था. एक स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन था, आपका नॉर्मल डिक्शनरी का मैनिपुलेशन से हो जाएगा. और एक था आपका नॉर्मल एरे बेस्ड क्वेश्चन, वो भी बहुत सिंपल था. मतलब नॉर्मल एरे, मतलब नॉर्मल गिग्स फॉर गिग्स का बेसिक जो क्वेश्चंस रहता है एरेस के ऊपर, वैसा ही क्वेश्चन. ओके, तो ये तो क्वेश्चन था. उसके बाद वो मेरा क्लियर हो गया फर्स्ट राउंड. सेकंड राउंड फिर इंटरव्यू था. इंटरव्यू टेक्निकल इंटरव्यू था, वो पूरा पाइथन हैवी था. मतलब ML रिलेटेड कुछ नहीं पूछा उसमें, पाइथन हैवी था. मतलब इन द सेंस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डेकोरेटर्स, मतलब पाइथन का जो जो मतलब नीचे एरिया है, मतलब जो लोग बस पाइथन का एज ए सिंपल टर्म्स में पढ़ लेते हैं, बहुत सारा मतलब उसके अंदर भी बहुत इन डेप्थ चीज है. मतलब ऐसे इन डेप्थ पाइथन पूरा पूछा, मतलब अच्छे से पूछा. कुल डेटा एनालिसिस उतना नहीं पूछा, पूरा पाइथन के ऊपर पूछा, डेटाबेस पूछा, और अपना कोई भी प्रोजेक्ट्स मैंने जो किया था वो ऐसे कुछ, मतलब अगर पर्सनल प्रोजेक्ट्स है क्या है किस पेपर है वो पूछा. कोई ईमेल रिलेटेड टर्म्स पे नहीं गया, कुछ ईमेल है भी था नहीं. उसके बाद अगला वाला राउंड वो वाला क्लियर हो गया मेरा. तो अगला वाला जो था डेलाइट का ही था, उसमें आपका वो था सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मतलब पजल्स पूछ रहा था. पजल्स इन द सेंस प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेटोरिक्स रिलेटेड पजल. उसमें थोड़ा सा डेटा एनालिस्ट का मुझे टच मिला, मतलब उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछा. फिर आपका पजल्स पूछा, फिर पूछा कि लाइक तुम्हारे डेटा सेट में पूरा नॉर्मल क्वेश्चन, क्लास क्लास का डेटा सेट है जिसमें बॉयज गर्ल्स उसका एज और ऐसा ऐसा है. सपोज ये कॉलम में बहुत सारा मिसिंग डेटा है, तुम कैसे हैंडल करोगे, इंक्लूड कैसे करोगे, रिमूव क्या क्या करोगे, ऐसा ऐसा मुझे अप्रोच पूछ रहा था. तो ऐसा पूछा. तो ये सब तो मतलब मुझे नॉर्मल लगा, मतलब उतना बिगिनर्स लेवल में कोई अगर करेगा वो भी बता सकता है, वैसा क्वेश्चन ही था. और उसके बाद AWS रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उसमें रोल ही था ऐसा कि पाइथन प्लस AWS प्लस ML. AWS पूछा कि क्लाउड क्लाउड तुम किए हो क्या. तो मेरा जो स्नोफ्लेक वाला था, मैं एपिसोड में ATL के ऊपर काम कर रहा था, तो उसपे क्लाउड रिलेटेड काम था. तो मैं बोला मैं AWS के ऊपर तो नहीं किया, Azure के ऊपर किया था. तो बेसिक चीज पूछा लाइक VPC क्या है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या है, फिर आपका ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा. बेसिक 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 एकदम कॉलेज लेवल का बेसिक क्वेश्चन पूछा. उसके बाद फिर हो गया, वो राउंड हो गया, कंप्लीट हो गया. उसके बाद HR का कॉल आया और सैलरी डिस्कशन वगैरह किया. तो उस समय तो मैं मतलब HR का कॉल आया तो मैं डेलॉइट को रखा था अपना ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारा कुछ नहीं हुआ था तो ऐसे रखा था ऑप्शन में. उसके बाद 1-2 दिन बाद मुझे फ्रैक्टल और टाइगर के एक ही साथ आया कॉल आया एक जन HR का कि तुम्हारा है राउंड है, कब तुम दोगे, ऐसे करके पूरा शेड्यूल हुआ पूरा राउंड का सारा. तो टाइगर का पहले मैं बता रहा हूँ, टाइगर का था क्या, पहला राउंड हैकर पे हुआ था. तो हैकर पे 10 क्वेश्चन, हाँ हैकर पे हुआ था, 10 क्वेश्चन थे. 10 क्वेश्चन में 3 प्रोबेबिलिटी के थे, शायद 4 पाइथन और ओप्स के रिलेटेड थे. मतलब आउटपुट आपको प्रेडिक्ट कर, मतलब आउटपुट आपको बोलना है क्या होगा एक्जैक्टली. और 1-2 मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स इन द सेंस एप्टीट्यूड बेस्ड, लॉग लॉग दे के या कुछ करके जैसे हम लोग करते थे पहले प्रैक्टिस MNC के लिए, वैसा क्वेश्चन था. और फिर 2 कोडिंग था, ठीक है. कोडिंग एक हमको याद है, एक था आपका डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, मतलब उसमें ग्रीडी एल्गोरिथम जो है ना, ग्रीडी अप्रोच में एक प्रॉब्लम था कि बहुत सारे बकेट्स है, उसमें बॉल्स है, हाईएस्ट बॉल्स का कुछ कुछ प्राइस है, हाईएस्ट कितना बॉल्स किसमें रखेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ऐसा था. और एक क्वेश्चन थे स्टोरी बेस्ड, पूरा एक बड़ा स्टोरी दे दिया था, लेकिन अल्टीमेटली उसमें एरे मैनिपुलेशन ही था.
कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। तो ये तो कोडिंग प्रॉब्लम्स हो गए, नहीं दीज आर लाइक हार्डकोर कोडिंग। हाँ 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 क्वेश्चन जब देखा मैंने, जैसे एरे मैनिपुलेशन वाला जो है वो प्रॉब्लम बहुत इजी था, मतलब 3-4 लाइन पे ही हो जाएगा, लेकिन स्टोरी बहुत बड़ा था तो पेशेंस रखना था, पढ़ना था क्या है। लेकिन आधा चीज आपका एलिमिनेट ही था, वो कोई लॉजिक से कोई रिलेटेड नहीं था। आप अगर इनपुट आउटपुट फॉर्मेट देख के भी सोचते तो आप कर सकते हैं, वैसा तो पर क्या नहीं था। और सेकंड जो था वो ग्रीडी का था, लेकिन मैं ग्रीडी से किया नहीं था, कोई डायनामिक अप्रोच भी नहीं लगा था, मैं नॉर्मल ब्रूट फोर्स से किया था, नॉर्मल जैसे मुझे लॉजिकली लगे वैसे मैंने किया था। तो मेरे साथ बहुत सारे दोस्त एग्जाम दिए थे तो मुझे ये पता है, मतलब ये समझ गया मैंने। एक दोस्त का क्या हुआ था, वो एक कोडिंग पूरा कर दिया था, 10 टेस्ट केसेस पास हो गया था, और एक कोडिंग का कुछ नहीं हुआ था, मतलब कोई सैंपल केसेस या टेस्ट केसेस पास नहीं हुआ था। और मेरा ऐसा सीन था, मेरा 2 कोडिंग में एक का 10 में से 7 टेस्ट केसेस और एक का 10 में से 6 टेस्ट केसेस ऐसे पास हुआ था, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ, उसका नहीं हुआ। तो हमको ऐसा लगा कि बहुत जन एग्जाम दे रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक दे लाइक आर लुकिंग फॉर लाइक आपको दोनों कोडिंग को पूरा पूरी करना है, करना है मतलब अगर कम टेस्ट केसेस भी हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीटली उसको रन कराना है, इसका आउटपुट लाना है। और मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था कि लाइक डायनेमिक आप यूज नहीं किए तो कुछ कुछ टेस्ट केसेस फेल होंगे, ब्रूट फोर्स से भी सारा टेस्ट केसेस पास हो रहा था, तो लाइक आपको बस आउटपुट लाना है सही से। तो ऐसा बहुत डीएस हैवी क्वेश्चन नहीं था, डीएस हैवी अप्रोच आपको यूज करना है ऐसा नहीं था। तो फिर वो हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया टाइगर का। फिर मुझे 2 दिन बाद भी कॉल आया तो बोला कि फर्स्ट इंटरव्यू है। तो पहले इंटरव्यू में लगभग 1 आवर 15 मिनट्स का चला, उसमें मुझे पूछा पहले तो इंट्रोडक्शन लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर पहले ही पूछा कि तुम सॉफ्टवेयर में थे, अभी क्यों आना चाहते हो, क्या तुम्हारा मोटिवेशन एंड ऑल, ऐसा पूछ रहा था। 2-3 मिनट का लाइक एक मतलब नॉर्मल आइस ब्रेकिंग सेशन हो गया। तो उसके बाद मुझे बोला कि स्क्रीन शेयर करके 2 कोडिंग पूछा, एक कोडिंग था कि एक एरे है जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स हैं, तो हमको ये करना है कि मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है, कंटिन्यूअस एरे होगा उसमें सारा जो सम होगा वो मैक्सिमम होगा उस एरे में, वो एक पर्टिकुलर सब एरे ये था। और एक क्वेश्चन था डिक्शनरी रिलेटेड, स्ट्रिंग और डिक्शनरी रिलेटेड। और द फन पार्ट इज मतलब हमने ये नोटिस किए कि वो बोल रहा था कि यूज एज मच एज प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी, मतलब तुम जितना प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी जानते हो वो यूज करो, ओके फॉर लूप का यूज नहीं, हाँ फॉर लूप का यूज नहीं करना है, मतलब फॉर लूप का यूज अगर नहीं कर सकते तो अच्छा है। मतलब वो लोग वन लाइनर अप्रोच मांग रहा था, क्योंकि मशीन लर्निंग में क्या होता है जितना फॉर लूप वगैरह कम यूज करेंगे जो भी है आपका मॉडल का स्पीड एंड ऑल सब कुछ सही रहेगा। तो उसके लिए वो लोग ये मैंने देखा कि मुझे ये बहुत अच्छा भी लगा, तो मतलब वो लोग ये फोकस किया कि तुमको आउटपुट लाना है और साथ साथ में तुमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का देखना है, मतलब फॉर लूप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, जितना चाहे ऑनलाइन करो, लिस्ट कंप्रेशन यूज करो, जैसे करके तुमको फॉर लूप कम से कम यूज करना है, मल्टीपल फंक्शंस बना के कर सकते हो, जैसे भी हो तुम कैसे करना है। तो 2 कोडिंग था, दोनों मैंने किया। उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट पूछा, तो मुझे आपके साथ हम लोग जब कैंपस में थे तो एक मूवी का जो रिकमेंडेड वाला था वो पूरा फुल फ्लेश था मेरा बहुत पहले, तो उस समय बहुत सिंपली हम लोग किए थे, लेकिन उसके बाद मैं उसमें कुछ कुछ ऑप्टिमाइजेशन लगाया था थोड़ा और अच्छा करने के लिए, इन द सेंस कोई अगर इंटरव्यू में मुझे पूछते कि इसको कैसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो उसके लिए मैं रेडी हो जाऊँ, तो उसके लिए मैंने कुछ कुछ उसमें टेक्निक्स किए थे। तो वो सब मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मूवी रिकमेंडेड, हम लोग स्क्रैच से डेटा सेट को गैदर एपीआई सेट किए, फिर वहाँ पे डेटा क्लीन किए, डेटा को फीचर स्केल किए, फिर स्टैटिस्टिक, हाँ ये चीज वो लोग पूछा कि कोई स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया हो क्या, मतलब लाइक आपके पास सपोज 10 कॉलम है, आप कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग किए हो क्या। तो मैं बोला कि नहीं, उस प्रोजेक्ट में मैं अप्लाई नहीं किया। तो फिर पूछा कि तुमको पता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है नहीं है, तो डायरेक्ट स्टैटिस्टिक पे चला गया। तो जेड टेस्ट पूछा, टी टेस्ट पूछा, तो टाइगर कैसा था ना, पूरा एनालिटिक्स क्वेश्चन ज्यादा था रैदर देन मशीन लर्निंग, वो लोग ये ज्यादा पूछ रहा था लाइक डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, फिर आपका ये आपका जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काइस्मर टेस्ट, कैटेगोरिकल वेरिएबल इंटरव्यू हुआ मतलब। हाँ हाँ हाँ, मतलब आप अगर देखेंगे कि जैसे खान एकेडमी वगैरह का प्लेलिस्ट है, उसमें जो स्टैटिस्टिक वाला प्लेलिस्ट है वहाँ पे जैसे फॉलो किया है मैं देख रहा था, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन मतलब वैसा ही क्वेश्चन ज्यादा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, बेस थ्योरम पूछा,
हाइपोथेसिस टेस्टिंग पूछा, ये सब क्वेश्चन पूछा. उसके बाद जो मेरा पूछा कि कौन कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे तुम्हारा मतलब है, मतलब तुमको पता है अच्छे से, तो मैंने बोला हाँ, तो मैंने बोला हाँ अच्छे से आता है क्लासिकल में, तो मैंने बोला कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज में कुछ कुछ किए हैं, तो मैंने कुछ कुछ एल्गोरिथम बताया. तो लीनियर रिग्रेशन पे ज्यादा फोकस किया, लीनियर रिग्रेशन पे पहले पूछा, मतलब लीनियर रिग्रेशन पे कैसे क्या है, लीनियर रिग्रेशन कैसे करते हो, फिर ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट में कैसे करते हो, फिर पूछा कि ऑप्टिमाइज कैसे, मतलब सपोज उसका ओवरफिटिंग फीचर को कैसे तुम ओवरकम करोगे. तो मतलब L1 L2 मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा L1 L2 क्या है, हमको मतलब कोई एक सिचुएशन दे दिया, हमको L1 L2 तक जाना था, उसको बताना था, ऐसे करके था. तो हाँ, तो ऐसे करके पूछा मुझे कुछ कुछ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पे क्वेश्चन पूछा कि क्या क्या यूज किए हो, कौन सा तुम्हारे हिसाब से बेस्ट है, RMSE बेस्ट है या MA मतलब मीन एक्सेलरेटर बेस्ट है या R2 स्कोर बेस्ट है, तुम्हारे हिसाब से क्या है नहीं है, ऐसा करके. फिर वो राउंड खत्म हो गया, मतलब लीनियर रिग्रेशन पे बहुत हेवी था बस, और कोई कुछ चीज पे नहीं पूछा. तो लीनियर रिग्रेशन पूछा, एक स्टैटिस्टिक्स पूछा और आपका पाइथन क्वेश्चन पूछा, यही तीन पे था, लगभग एक घंटे के ऊपर हो गया था, तो वो राउंड क्लियर हो गया. उसके बाद आपका सेकेंड राउंड था, उसमें सिनेरियो बेस्ड पेड से शुरू हो गया. सिनेरियो दे दिया था हमको कि एक डेटा सेट, पूरे एक डेटा सेट का सिनेरियो दे दिया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तुमको इसमें फीचर स्केल करना है. फीचर स्केल करना है मतलब तुमको बोलना है कि कौन सा लेस रिलेवेंट है, कौन सा मोर रिलेवेंट है, और कैसे तुम कर रहे हो. वही मुझे हाइपोथेसिस वगैरह बताना था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, ये करेंगे, कैसे करेंगे, ये मुझे बताना था, मतलब कैसे कैसे. तो जो जो मुझे लगभग पता था, आउटलायर डिटेक्शन, मॉडल को ट्रेन करने से पहले आउटलायर्स मुझे रिमूव करना है, अगर लीनियर रिग्रेशन लीनियर रिलेशनशिप है तो आउटलायर को ज्यादा फोकस करना है, ये सब सारा ऐसा टाइप का क्वेश्चन था. तो फिर सेकेंड राउंड ज्यादा देर चला नहीं, उसमें ज्यादा लाइक लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछा, कोई ऐसा क्वेश्चन डेटाबेस से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा, एकदम नॉर्मल डेटाबेस एज इन SQL SQL, हाँ नॉर्मल SQL, मतलब सब क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी का कुछ कुछ एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन था. और मुझे ये पूछा कि तुमको रो फंक्शन, डेंस फंक्शन ये सब आता है कि नहीं, रो डेंस ये सब SQL का थोड़ा एडवांस एडवांस SQL क्वेरीज. हाँ, तो वो सब पूछा. फिर लगभग 30 मिनट्स या 25 मिनट्स में खत्म हो गया. तो उसके बाद टाइगर का ये मुझे अच्छा लगा कि वो लोग का मतलब बहुत मतलब फ्रेंडली इन द सेंस, बहुत कुछ वो लोग भी हमको शेयर किया. मतलब मैंने पूछा कि कैसे काम होता है, क्या होता है, एक जैसे मेरा जैसा एक्सपर्टाइज है एज ए बिगिनर, मुझे किस टाइप का काम मिलेगा, हमको क्या परफॉर्म करना है. तो वो लोग पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया, लाइक तुमको पहले एज ए एनालिस्ट तुम हायर होंगे, फिर उसके बाद तुमको तीन चार सीनियर मतलब एक या दो सीनियर एनालिस्ट के अंदर काम करना पड़ेगा, और एनालिस्ट का रोल है कि तुमको एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करना है. सपोज तुमको इन अ डे कुछ टास्क दे दिया, सपोज एक डेटा सेट दे दिया, उसमें बोला कि तुमको फीचर स्केल करना है, तुमको क्लीन करना है, तुमको ये करना है, वो करना है. तो सपोज तुम आपका 5 दिन का ये काम हो गया, तो आपको वो करना है. और मुझे बोला कि एज ए फ्रेशर हम लोग डोमेन नॉलेज नहीं देते हैं, लेकिन जब से तुम कंपनी में घुसोगे तो तुम्हारा पहला काम होगा जिस डोमेन पे तुम्हारा काम है उस डोमेन के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है. Okay. तो ये बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ा डोमेन इन द सेंस, जैसे सीपीजी का मेरा था, सीपीजी मेरा भी काम है. तो सीपीजी में टाइगर का क्या है, यूडेमी का एक्सेस देता है वो लोग, यूडेमी का. तो वो लोग का कुछ क्यूरेटेड पाथ है, मतलब टाइगर का ही कोई बंदा सीनियर डेवलपर कुछ प्लेलिस्ट बना देता है जिसमें सीपीजी डोमेन रिलेटेड पूरा पाइथन का चीज रहता है, या पाइथन रिस्क मॉडलिंग, ऐसे करके वो लोग का प्लेलिस्ट रहता है. तो उसपे आपको सीखना है, समझना है कौन कौन सा फ्रेमवर्क कैसे यूज करता है, तो ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है. तो लाइक वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं था, मुझे लगता था मतलब सारा बिगिनर्स को लगता है कि शायद स्क्रैच से शुरू करना है, कैसे करना है डेटा सेट पे, स्टार्टिंग मतलब कैसे करें, मतलब उसके बाद तो सब ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करें, मतलब हम लोग जैसे करते हैं रीड करते हैं, फिर धीरे धीरे देखते हैं डेटा सेट में क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जहाँ पे पहला 30 या 40 मिनट्स पहला 30 या 40% काम हो चुका है. मतलब आपका वो लोग का एक फ्रेमवर्क है, टाइगर ML नाम है, वो आप कॉन्डा से इंस्टॉल भी कर सकते हैं. तो वो लोग फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, प्रोवाइड ना ओपन सोर्स नहीं है, शायद उसका लाइसेंस खरीदना पड़ता है, टाइगर ML करके नाम है.
तो उसका क्या है कि लगभग डेटा क्लीन आप डेटा विजुअलाइजेशन सब कर सकते हैं वहां पे, पूरा एक यूआई बन जाएगा, वो यूआई पे आप देख सकते हैं कि इसका क्या है उसका क्या है। तो टाइगर शायद अगले साल में सेमी प्रोडक्ट बनने का भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका बहुत सारा मतलब जो लाइब्रेरी है अच्छा खासा मोनिटाइज कर रहा है, तो वो लोग का ये गोल है। मतलब हम लोग का हर मंथली टाउन हॉल होता है, उसमें डिस्कस करता है ये चीज। तो बेसिकली ये था। फ्रैक्टल का भी सेम टाइप का था, मतलब टाइगर का जैसे था सेम टाइप का रोल था, लेकिन फ्रैक्टल में मुझे रोल मिल रहा था डेटा विजुअलाइजेशन का, टैबलो रिलेटेड, टैबलो बीआई रिलेटेड रोल मिल रहा था। तो मुझे थोड़ा सा मशीन लर्निंग रिलेटेड काम में ज्यादा इंटरेस्ट था कि जिसमें कोड हैवी रहे, मतलब कोडिंग हमको करना पड़े। तो मुझे फिर टाइगर और फ्रैक्टल में मुझे चूज करना था, क्योंकि डेलॉयट में थोड़ा सा वो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम हो जाता, तो एकदम प्योर अगर हमको डोमेन रिलेटेड या मशीन लर्निंग काम करना मुझे चूज करना था, तो टाइगर मैंने चूज किया। दोनों का लगभग पैकेज सेम था, तो टाइगर टाइगर ही मैंने चूज किया मेरा तो जस्ट टू क्लैरिफाई, हिसाब तुमने से, प्रोजेक्ट डेलॉइट, हिसाब से। हाँ फ्रैक्टल और टाइगर तीनों ही क्रैक किया, बट इवेंचुअली यू वेंट फॉर टाइगर हाँ बिकॉज ऑफ द रोल एंड द अदर यस ऑप्शन। यस यस हाँ ओके, सो सही है यार। मतलब हाँ हाँ काफी ये पूरा मतलब पीरियड कितने दिनों का था, ये जो पूरा तुमने इंटरव्यूज दिए अप्लाई करने से लेके सिलेक्शन तक? लगभग एक 1 month, 1 month था, 1 month। 1 month। और हाँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा था सौमिक तुम्हारा? जैसे तुम सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो जैसे तुम हाँ मेरे से पहले से पढ़ चुके हो मशीन लर्निंग, दैट वाज इन लाइक 2020। हाँ हाँ उसके बाद हाँ जब तुम सॉफ्टवेयर में स्विच कर गए, तो तब भी तुम मशीन लर्निंग पे काम करते थे या फिर कैसा था? मेरा था कि जब मैंने जैसे पहले पहले कंपनीज में हम लोग घुसते हैं ना, 6 month का ट्रेनिंग रहता है, 5 month का ट्रेनिंग रहता है, तो बहुत मतलब खाली टाइम रहता है अपने पास। तो उसमें मैं क्या किया था, चेकपुरी श्रीकांत वर्मा करके एप्लाइड AI उनका चैनल का नाम है, उनका उनका मैं बहुत फॉलो करता था। फिर आपका एकदम अच्छे से डेफिनेटली सब कुछ निकलने लगा एकदम, मतलब आपका जो जैसे मुझे लगा आपका जो मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट है वो अगर मतलब बिगिनर टू एक्सपर्ट अगर कोई मतलब होना चाहे, मतलब कोई अगर स्टार्ट करना चाहे, तो ऐसा नहीं है मतलब कोई भी अपना जो भी सिचुएशन पे है, सपोज हम इस स्टेज में है मुझे इससे आगे बढ़ना है, तो आपका देख सकता है कोई जैसे है, मुझे लगा ये चीज। और मैथमेटिकल हेवी था आपका, तो कोई रीजन क्या है उसके पीछे वो भी समझ, बहुत सारे प्लेलिस्ट यूट्यूब में ऐसे हैं कि उसमें रीजन बहुत कम बताता है, उसमें जस्ट आपका गिटहब का कोड शेयर करता है, ये यूज किए हैं इसमें ऐसा होता है, 3 4 फैक्ट्स बता के आगे बढ़ जाता है और एक प्रोजेक्ट बना देता है, लेकिन आपका बहुत ज्यादा ब्रेक करके था। और चेकोरी श्रीकांत वर्मा का भी सेम लगा मुझे कि एकदम मैथमेटिकल हेवी था, मैथमेटिकल हेवी था। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स तो एक ही बार समझना है, तो बार बार नहीं समझना, एक बार मैं अगर समझ जाऊं तो मुझे मुझे जब जब यूज करना, जैसे यूज करना है मेरा दिमाग में चलते रहेगा कि इसमें तो यार ऐसा होता था, तो मुझे ये यूज करना है, ऐसे यूज करना है। तो मैथमेटिक्स जानना बहुत जरूरी है मुझे लगता है, अगर मशीन लर्निंग फील्ड में जाना है या डेटा साइंस, अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग या उसके डेटा रिलेटेड दूसरा में जाना है तो उसमें उतना नहीं है, उसमें आप 1 6 month में कुछ टूल्स के ऊपर काम कर लेंगे तो आप पूरा अपना बना लेंगे, आपको कर पाएंगे। लेकिन मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में ऐसा है, ये इवॉल्विंग डोमेन है, इसमें हमेशा नया नया चीज आते रहता है, नया नया रिसर्च हो रहा है, तो इसमें आपको अगर मैथ्स पता रहेगा तो आपको मतलब आप रिलेट कर पाएंगे कि कैसे मतलब आगे जाके अच्छा इसमें ऐसे होता था और इसमें ऐसे यूज किया है, तो ऐसा चीज है। तो मैं क्या करता था, चेकोरी श्रीकांत वर्मा का जो एप्लाइड AI का कोर्स था वो मैं करता था, वो मैं लिया था, परचेस किया था, वो मैं करता था। हाँ इंटरेस्ट तो जब इंटरेस्ट तो मिला था आपका जो आप MyWBT कोर्स हम लोग जब किए थे मशीन लर्निंग पे, एकदम बेसिक था लेकिन उसमें मुझे एक मतलब प्लेटफॉर्म, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। उसके बाद आपके साथ डीप लर्निंग भी थोड़ा बहुत किए थे, तो ये सब मिला के मेरा ये था कि कैगल से कुछ कुछ देखते रहते थे कि कभी भी मौका मिले, क्योंकि मेरा अभी करेंट जो काम है वो तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, तो मैं अगर मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो नहीं रहा है, मेरा सारा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मैं ये करता था कि जो भी प्रोजेक्ट मतलब मैं छोटा सा ही कोई एक डेटा एनालिसिस करूँ उसको मैं गिटहब में डाल देता था कि अगर कोई शोकेस करने बोले तो मैं शोकेस कर सकता हूँ कि देखो मैं इतना 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 चीज किया हूँ, क्योंकि मेरा कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है नहीं, तो एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है सबके लिए। सही बात है। तो हाँ तो मैं ऐसे करता था। उसके बाद जब
मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम फ्रेशर में मिल जाएगा, लेकिन इतना ओपनिंग्स आने लगा तो जब करने लगा तो मतलब बोल सकते हैं कि डिमांड बेसिस पे बहुत ज्यादा होने लगा, तो फिर अप्लाई किया तो हो गया मतलब। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा रिलेटेड टू योर प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो सौमिक, एक तो मेरे को ये बताओ कि जैसे ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन पार्ट, मतलब क्या कुछ टॉपिक्स तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे या जिनके ऊपर तुमने ज्यादा फोकस किया, या फिर मतलब इवनली तुमने अपना फोकस सारी चीजों पर एक जैसा रखा? जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे ये लगता था कि बहुत सारे एल्गोरिथम्स है मशीन लर्निंग के, तो मुझे अगर सुपरवाइज अनसुपरवाइज सबका दो तीन पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे काम करता है, तो एक मतलब ब्रेथ फर्स्ट अप्रोच रखा था पहले में कि ऐसे ऐसे करूंगा। लेकिन जितना मैं आगे बढ़ने लगा ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। मैं बहुत सारा एल्गोरिथम तो सीख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कब कैसे क्या यूज करना है। तो तब मुझे लगा नहीं, मतलब मैं पहले ऐसे करता हूँ कि पहले पूरा ईडीए के ऊपर फोकस करता हूँ, डेटा को अच्छे से क्लीन करना सीखे। तो मैंने सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि आप फीचर स्केल फीचर इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा काम, मतलब एज ए इंडिविजुअल मतलब बहुत ज्यादा मैं डेटा एनालिसिस को काम किया। तो डेटा एनालिसिस करते करते स्ट्रेटेजिस का बहुत सारा मेथड सीखा मैंने। तो अभी जैसे टाइगर में शुरू शुरू में काम हो रहा है, तो मुझे बहुत समझ आ रहा है कि वो लोग मतलब वो लोग तो वो लोग का टाइगर एमएल का लाइब्रेरी है, लेकिन अंडरहुड क्या चल रहा है, स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर रहे हैं कब, मीन मैक्स स्केलर यूज कर रहे हैं कब, क्या यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, मुझे उसका रीजन आ रहा है। तो मुझे मैं ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो मुझे इन द सेंस लगता है कि जो कोई अगर स्टार्ट कर रहा है तो इंटरेस्ट के लिए वो ब्रेकफास्ट कर सकता है कि नया नया चीज सीखो, कोडिंग करो, तो उसको इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर तुम एक जगह में चले जाओगे जब तुमको बहुत कुछ पता रहेगा कि अच्छा ये ऐसे है ऐसे है, तब तुम डेप्थ फर्स्ट में जाओ, लाइक एकदम स्टेप बाय स्टेप जाओ कि ऐसे ऐसे करना है। और जो मैं श्रीकांत वर्मा का कोर्स कर रहा था, उसमें मुझे एनएलपी के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया। व्हाट टू वेक, मतलब अच्छा अच्छा कुछ कुछ एनएलपी के ऊपर मुझे लगा भी कि इसमें बहुत मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, बहुत कुछ इस पे आगे भी काम होगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग काम ग्रोइंग होगा। फील्ड है। तो हाँ, तो एनएलपी के ऊपर मुझे बहुत इंटरेस्टेड। अब पता नहीं एनएलपी यहाँ पे भी है, कब मिलेगा कैसे मिलेगा वो ऐसे अभी कुछ सोचा नहीं मैंने, लेकिन एनएलपी के ऊपर मतलब मैं अभी डेप्थ में एनएलपी के ऊपर सीख रहा हूँ, और ऐसे कंपनी में जैसे काम हो रहा है उसके हिसाब से वो कर रहा हूँ। तो ऐसे ही किया मैंने। पहले तो मैं बहुत सारे चीज सीखता था एक साथ, लेकिन जब देखा मुझे उतने इम्प्रूव नहीं हो रहा है। नॉर्मल प्रोजेक्ट बन रहा है, किसी को शोकेस कर सकता है, लेकिन कोई एक अच्छा बंदा जो मशीन लर्निंग पे पूरा काम किया है वो समझ जाएगा कि मेरा डेप्थ उतना नहीं है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन मेरा डेप्थ उतना नहीं है, तो पकड़ लेगा कि कोई क्वेश्चन हो बेसिक पूछेगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा। तो ये चीज के लिए मैं मैथमेटिकल चीज देखने लगा। तो बेसिकली तुमने स्टार्ट किया था ब्रेथ फर्स्ट, यू आर कवरिंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड देन यू डिसाइडेड कि यार नहीं थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, और फिर तुमने डेप्थ में चीजें कवर धीरे की। तो धीरे ये मैथ्स जो था, मतलब स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट हुआ या प्रोबेबिलिटी हुआ, इसको तुमने अलग से टाइम दिया या फिर जब जिसकी जरूरत पड़ती थी वो टॉपिक तुम पढ़ लेते थे? मतलब कैसा था तुम्हारा मैथ्स को लेकर स्ट्रैटेजी? जैसे एकदम पहले तो जब मैं प्रोजेक्ट बनाता था तब तो जो जब जरूरत पड़ता था उसको मैं यूज करता था, विकिपीडिया में पढ़ लेता था कि वो क्यों यूज हो रहा है क्या है। लेकिन जब मैं ये सिक्योरिटी श्रीकांत वर्मा का कोर्स ज्वाइन किया, फिर आपका आपका कोर्स देख, आपका जो प्लेलिस्ट है उसका देखने लगा, सब कुछ देखने लगा, और मेरे पास बहुत टाइम था क्योंकि मैं अपना सॉफ्टवेयर में काम कर रहा था, तो मेरे पास बहुत टाइम था। तो मैंने फिर क्या किया कि ऐसे नोटपैड में या कहीं पे आधा घंटा दिन का, ज्यादा नहीं उतना, मतलब एक सॉफ्टवेयर में काम करने का तो उतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं रहता कोई और चीज करने के लिए। तो आधा घंटा या 45 मिनट्स मैं क्या करता था, थोड़ा नोटपैड में उसका मैथमेटिक्स करता था, मैं लिख के रखता था नोट में ऐसे ऐसे हो रहा है, इसमें ऐसे यूज हो रहा है, डिफरेंशियल कैसे क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे करके मैं नोट्स करके रखता था और उसको मैं सेव कर रखता था गूगल डॉक्स में। तो मुझे ये लगता था कि जब इंटरव्यूज होगा, इंटरव्यूज आएगा, मैं उसको रिवाइज कर लूंगा। तो हमको ये लगता है डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है अगर आपको सीखना है, मतलब आपको अगर इंटरव्यूज देना है तो अगर डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा और इंटरव्यू के टाइम आप बहुत डेफिनेट रहेंगे कि आपको असली में मतलब सेंस करेगा, आपका बात भी बहुत मेक सेंस करेगा कि क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। लेकिन आप अगर हैपजर्डली सब कुछ पढ़ने लगे तो इंटरव्यूज के टाइम ना मतलब आप वो क्लिक नहीं हो पाएगा, मतलब अच्छा कोई कंपनी से इंटरव्यू नहीं निकल पाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, जो भी सीख रहे हो अगर नोट करके कहीं पे रख देते तो वो ज्यादा बेटर है फ्यूचर ओके के।
ऑल्सो जैसे यू आर अ फ्रेशर, मतलब जब तुमने ज्वाइन किया तो कंसिडर किया गया, मतलब तुमको फ्रेशर ही कंसिडर किया गया होगा, तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस तो नहीं था दिखाने के लिए, तो बेसिकली यू कैन शो प्रोजेक्ट्स. तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे तुम्हारे, मतलब तुम्हारे बेस्ट प्रोजेक्ट्स क्या थे जो तुमने अपने पोर्टफोलियो में रखे? हाँ, तो मैंने एक लेट्स अपग्रेड करके एक मतलब स्टार्टअप है, मतलब वो लोग लर्निंग देता है लेकिन स्टार्टअप भी है, मतलब वो लोग का एक हैकेथॉन टाइप का था, उसमें न्यूज क्लासिफायर के ऊपर एक प्रोजेक्ट था, मतलब 3 जन का ग्रुप प्रोजेक्ट था, तो बहुत जन को अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिया था, हम लोग का न्यूज क्लासिफायर था, तो हम लोग 1 मंथ का टाइम दे दिया था, डेटा सेट दे दिया था हम लोग को, वो एज ए मतलब डिप्लॉयमेंट तक पूरा कंप्लीट करना था, तो उसमें बहुत सारा हम लोग ने काम किए थे, इंक्लूडिंग डेटा क्लीनिंग, डेटा सेट दे दिया था, डेटा क्लीनिंग, फिर उसका मॉडल, मॉडल को बनाना, मॉडल को डिप्लॉय करना फ्लास्क में, AWS का इंस्टेंस में, मतलब सब कुछ अच्छे से वो लोग का दे दिया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग कैसे करना था, तो उसमें मैं 2 मंथ काम किया था, वो हैकेथन पे था, हैकेथन हम तो उसपे मैं तो न्यूज क्लासिफायर में देख हो गया, आपका जो मूवी रिकमेंडेड है वो ऐसे बेसिक प्रोजेक्ट में हमेशा रखता था पहले, क्योंकि उस टाइम मेरा स्टार्ट हुआ था, तो और एक न्यूज क्लासिफायर रखा था, और कैगल से बहुत सारे कैंसर रिलेटेड मतलब मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन था, कैंसर प्रेडिक्शन, तो मैं क्या करता था, कैगल में डेटा सेट बहुत अच्छा रहता था तो डेटा सेट उठा लेता था, और मैं यूट्यूब में जैसे केएनसी, अच्छा अच्छा जो फॉरेन का यूट्यूब चैनल है, वो लोग का देखते रहता था कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं पर्टिकुलर कैंसर डेटा सेट के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं, तो उसी को ही मैं थोड़ा बहुत उसी टाइप से करते 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 एक मतलब मॉडल मॉडल तक बनाता था, डिप्लॉय नहीं करता था, मॉडल तक बना के रख देता था, तो उसी को मैं ऐसे सब प्रोजेक्ट कर करके दिखाता था। एक और चीज पूछना था मेरे को, जैसे डीप लर्निंग के ऊपर कितना फोकस किया तुमने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? डीप लर्निंग के ऊपर बेसिकली जब मैं कैंपस एक्स में आपके साथ कर रहा था, तो वहां तक जितना आप कराए थे ANN तक जितना कराए थे वहां तक ही मैं फोकस किया, ज्यादा मैं नहीं गया, तो डीप लर्निंग में इंटरेस्ट मेरा है, लेकिन NLP मैं मतलब यहाँ से जैसे शेखरी सिकंदर वर्मा का जो प्ले मतलब जैसे है वहाँ पे NLP रिलेटेड बहुत सारा किया, तो अभी NLP में अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो मैं अभी ये सोचा कि NLP में करते हैं फिर डीप लर्निंग आगे बढ़ेंगे, लेकिन टाइगर में DL रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, सब कुछ है, DL में अच्छे से करना है, लेकिन अभी तो मेरा जो रोल है रोल के हिसाब से मुझे ऐसे एनालिसिस अच्छे से करना है, तो अभी डीप लर्निंग को थोड़ा साइड रख रहा हूँ, डीप लर्निंग में मैं बोलूंगा कि एकदम बेसिक मेरा नॉलेज है, एकदम बेसिक। ओके अच्छा कॉमिक, तो फिर मतलब तुमने जैसे प्रिपरेशन किया, तुमने जॉब दिया, इंटरव्यूज दिए, जॉब क्रैक किया, तो अगर तुमको किसी को बताना हो कि व्हाट आर द मेन टॉपिक्स जिसके ऊपर तुमको एक्चुअली अच्छे से फोकस करना चाहिए, तो वो 3-4 टॉपिक्स क्या है तुम्हारे हिसाब से? बेसिकली जो मतलब बिगिनर्स मतलब एक साल जो कोई भी कंपनी में काम किया हुआ है, तो उसको पहले ये करना है कि पाइथन अच्छे से करना है, पाइथन नॉट इन द सेंस की नॉर्मल पाइथन, आपको पेपेट, अगर आपको पेपेट का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऐसे अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे ज्यादा, क्योंकि पाइथन बहुत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जावा या सी जैसा बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ है, वैसा कुछ नहीं है, तो पेपेट का अगर आप डॉक्यूमेंटेशन खोल के एक एक चीज समझेंगे, जैसे फंक्शंस में कितना टाइप का आप कैसे कैसे रिटर्न कर, मतलब पाइथन का हेवी पाइथन अगर आप प्रैक्टिस करें वो बहुत सही रहेगा, क्योंकि कोई भी राउंड्स में पहले पाइथन का चेक करता है कि ठीक है वो फ्रेशर है, मशीन लर्निंग तो उसको हम करा लेंगे, लेकिन वो अगर कोड समझ ही नहीं पाएगा तो उसको मशीन लर्निंग आगे बढ़ के फायदा क्या है, तो पाइथन उसको अच्छे से करना है, कोई एनालिटिक्स फॉर्म है तो SQL पूछेगा, मुझे उतना SQL नहीं पूछा है लेकिन SQL पूछता है, SQL का राउंड्स भी होता है बहुत सारा कंपनीज में, 6 क्वेश्चन दे देता है SQL के ऊपर, तो पाइथन हुआ, SQL हुआ, और मुझे ये लगता है कि कोई प्रोजेक्ट बनाना, मतलब सीखने से अच्छा है कि कोई प्रोजेक्ट्स में क्या क्या यूज हो रहा है, अगर वो पता हो जाए तो बहुत सारा, सपोज इस टाइप के प्रोजेक्ट्स है उसमें ये एल्गोरिथम हो रहा है, तो वो एल्गोरिथम आपको आ जाएगा, और वो एल्गोरिथम एकदम डेप्थ में करना, क्योंकि हम प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं तो उस एल्गोरिथम में जितना ऑप्टिमाइजेशन हो सके उतना करना, बैगिंग, बूस्टिंग, अगर डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट रिलेटेड कोई कर रहे हैं तो सारा टेक्निक्स कैसे हो रहा है, तो क्योंकि आप अगर बोलेंगे ना कि मैं यूज किया डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट, तो बस उतना तक वो लोग नहीं रहेगा, वो लोग फिर उस एल्गोरिथम में घुसेगा और उस एल्गोरिथम का सब कुछ पूछेगा, कोई एक चीज पूछेगा, तो ये चीज वो लोग करता है, तो आपको अगर 2 एल्गोरिथम में बहुत अच्छे से पता है, और लकीली अगर आप प्रोजेक्ट में घुस गया और आप डिस्कस करना वो लोग स्टार्ट कर दिया, तो वो लोग को ये होगा कि जो सीखा है वो डेप्थली सीखा है, अच्छे से सीखा है, तो कोई और एल्गोरिथम भी इसको दिया जाए तो वो भी उसका एनालिसिस कर पाएगा, वो समझ पाएगा।
तो बिगिनर्स को यही ज्यादा देखता है कि उसका, और हाँ और एक चीज प्रोबेबिलिटी मतलब एप्टीट्यूड स्किल्स थोड़ा देखता है, मतलब जैसे मुझे पूछा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मुझे ऐसा नहीं पूछा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुमको मैं मतलब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो लोग बस एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा और बोला कि मुझे समझाओ कैसे करोगे, तो मुझे ऐसे बोलना था लाइक जनरली सैंपल स्पेस इतना होगा, अभी आप ये कंडीशन लगा दिए तो मेरा सैंपल स्पेस अभी इतना है, अब इतना सैंपल स्पेस में ये सारा इवेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका प्रोबेबिलिटी ये है, तो ऐसे करके आप मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को वो बोलेगा नहीं कि क्या पूछ रहा है, वो बस उसका आपसे ही निकालेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि बेस थ्योरम कैसे क्या है। तो जैसे आपको कोई एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस कंपनी में जाना है तो स्टैटिस्टिक्स, पाइथन, एसक्यूएल ये तीन मस्ट है, और आपको बहुत डेप्थ में जाना है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से जानना है। तो और गिग्स फॉर गिग्स या लिटकोड इसी का भी बेसिक जितना क्वेश्चन है एरे और स्ट्रिंग का कर लेंगे तो कोड हो जाएगा, क्योंकि हाँ, मतलब कोड में हार्ड वो कोर डीएसए कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं लग रहा है। नहीं, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा। और जैसे टाइगर का मैंने ये देखा, मुझे बोल ही दिया कि मतलब जैसे अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बेस में ये होता है कि आप प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी नहीं यूज कर सकते, आपको एकदम नॉर्मल करना है, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं था, ये लोग था कि जितना तुमको लाइब्रेरी पता है जितना मतलब वो लोग ये टेस्ट कर रहा था कि पाइथन में इसका कितना दिन तक ये रिगोरसली काम किया है, वो देखने के लिए वो लोग ये पूछा कि लाइब्रेरी तुम जितना यूज कर सकते हो करो, जैसे कर सकते हो करो। तो वही बात फिर सेम में आ गया है कि पाइथन एसक्यूएल स्टैट, पाइथन का बेसिक आप जीएफजी से करें या लीटकोड से करें, बेसिक कोडिंग दो तीन अच्छा प्रोजेक्ट डेप्थली करना, एक प्रोजेक्ट अगर हो सके तो डिप्लॉयमेंट करना, क्योंकि हमको पूछा था कि फ्लास्क या जेंगो में कुछ किए हो क्या, तो मैंने बोला था हाँ फ्लास्क में तो अच्छे से किए हैं और जेंगो में नॉर्मल वेबसाइट का काम किया है, लेकिन जेंगो एज ए मशीन लर्निंग के साथ इंटीग्रेट करके नहीं किया। और अगर आपको जैसे डेलॉयट, ईवाई ये सब जो कंपनी एनालिटिक्स कंसल्टेंट फॉर्म है, ये सब में भी बहुत ओपनिंग्स आता है डेटा साइंटिस्ट का, लेकिन वो लोग थोड़ा क्लाउड का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आप अगर ग्लास डोर में भी मैंने देखा बिग फोर का जो है वो लोग का ये सीन है कि वो लोग रेदर देन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस का एकदम कोर में नहीं जाता है, वो लोग एडब्ल्यूएस से ऊपर ऊपर से पूछता है, पाइथन से पूछता है, एसक्यूएल से पूछता है, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछता है, आपका प्रीवियस प्रोजेक्ट देखता है, फिर उसमें हो जाता है। लेकिन जो सपोज टाइगर हो गया, फ्रैक्टल हो गया, म्यूजिक में हो गया, मैथ कंपनी हो गया, ये लोग डेटा साइंस और मशीन लर्निंग ये लोग का मेन है, फोर्टे है, तो ये लोग वही ज्यादा पूछता है कि एकदम मतलब आपको मैथमेटिक्स मशीन लर्निंग उसके अंदर पूछता है। लेकिन फ्रेशर का ऐसा है कि आपको सब चीज अगर कुछ कुछ चीज डेप्थ में, जैसे पाइथन एसक्यूएल और स्टैट हो गया और कुछ कुछ एल्गोरिथम्स डेप्थ में पता है, तो आप अप्रोच मतलब आप अप्लाई कर सकते, आप देख सकते हैं एक दो में आप फेलियर होंगे, वो तो नॉर्मल बात है, एक दो में फेलियर होंगे, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि क्या सेटअप क्वेश्चन पूछता है। तो टाइगर में जो दोस्त क्वेश्चन पूछता है जैसे पूछता है, हो सकता है फ्रैक्टल में भी वही पूछेगा, इंटरसेक्शन रहेगा ही क्वेश्चंस उसमें, रिपीट हाँ होते हैं, राइट। क्वेश्चन रिपीट होता है, हाँ। तो आप अगर अभी जैसे एक हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी के बहुत ज्यादा ओपनिंग है, बहुत ज्यादा हायरिंग हो रहा है, तो आप मल्टीपल 6-7 कंपनी वगैरह अप्लाई कर देंगे, एक दो में तो आपका पक्का हो जाएगा, अगर आपका प्रिपरेशन सही है तो हो ओके, जाएगा। एक चीज और पूछना था सौमिक, जैसे ये शायद तुमने भी सुना होगा कि जैसे बोला जाता है हाँ फ्रेशर्स के लिए मशीन लर्निंग स्पेस में, डेटा साइंस स्पेस में जॉब्स उतनी नहीं है। तो पहले तो ये बताओ कि मतलब तुमको भी ऐसा लगा कि जॉब्स ज्यादा नहीं है, और मान लो अगर जॉब्स कम भी हैं तो एज अ फ्रेशर क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि जॉब क्रैक कर पाओ एट अ हाँ फ्रेशर लेवल? हाँ पहले जैसे मैं लिंक्डइन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहां पे मैं देखता था कि हमेशा ऐसा ही लिखा रहता था कि डेटा साइंस का ओपनिंग है 3 to 5 years एक्सपीरियंस, डेटा साइंस का ओपनिंग है 5 to 7 years, 2.5+, ऐसे करके रहता था, और उसमें इतना कुछ लिखा रहता था जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो कोई भी जैसे हम लोग जैसा कोई भी बिगिनर्स जो सीख रहे हैं उसको बहुत हार्ड लगेगा, और उसका रिज्यूमे ना सिलेक्ट होगा क्योंकि उसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है नहीं, उसका अगर कोई इंटर्नशिप भी रहा तो अच्छा है, लेकिन अगर उसका कुछ नहीं रहा तो बहुत प्रॉब्लम है सिलेक्शन होने में। तो पहले तो मुझे भी लगता था कि लाइक मैं मास्टर्स कर लूं या कुछ कर लूं जिसमें मुझे, क्योंकि मास्टर्स वाला बंदे को बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि कोई भी अगर डेटा साइंस में मास्टर्स किया है या कहीं यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा वगैरह किया है तो एआई प्रेफरेंस है, स्पेशलाइज करके, उसको अच्छा खासा प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि वो थीसिस वगैरह में काम किया है, उसका डोमेन नॉलेज बहुत तगड़ा है, तो वो रिगोरसली मशीन लर्निंग के ऊपर अपना टाइम स्पेंड किया है, तो लोग को बोल सकते हैं कि एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन टाइप का मिल जाता है कि ये प्रोवेन बंदा है, ये काम किया हुआ है। फिर हम लोग जो है हम लोग तो जस्ट
टेस्टेड टाइप के हम लोग, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग किए हैं शोकेस करने के लिए, हम लोग के पास गिटहब है, हम लोग के पास प्रोजेक्ट्स का है और हम लोग को अगर स्किल्स है तो, लेकिन सिलेक्ट होने के लिए या जो चीज है वो पहले नहीं था, एक आज से 6 मंथ या 8 मंथ पहले नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा स्टार्टअप का है। ज़ेप्टो करके कंपनी है, फीसर करके कंपनी, मतलब पुणे बेंगलोर, या अगर आप लोकेशन में पुणे बेंगलोर चेन्नई हैदराबाद ऐसा ऑन करके रखेंगे तो बहुत सारा स्टार्टअप आ गया है जो मतलब कर रहा है, मतलब अप्रोच कर रहा है फ्रेशर को भी। तो मतलब तुमको लग रहा है कि फ्रेशर लेवल पे जॉब्स है अब पिछले 6-8 महीनों में? अभी आ रहा है 6-7 महीने में हम देख रहे हैं लिंक्डइन में अच्छा खासा जॉब्स है, और आपका रिज्यूमे थोड़ा स्टैंड आउट करना पड़ेगा, बाकी लोग जैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब क्योंकि थोड़ा सा रिज्यूमे, हाँ ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि हमने प्रिपरेशन कर लिया, हमारे पास एक रिज्यूमे है, हम बहुत जगह अप्लाई भी कर रहे हैं, बट कोई हमें पलट के रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो ये कैसे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं तुमने कैसे? और एक चीज कर सकता हूँ, हाँ और एक चीज मैं करता था, मीडियम पे मैं ब्लॉग्स लिखता था थोड़ा बहुत, तो उसको मैं कभी कभी लिंक्डइन में पोस्ट करता था, लिंक्डइन पे लाइक्स आते थे, उसमें मेरा जो मशीन लर्निंग है, जो मतलब सीनियर लोग के साथ मेरा कनेक्शन था, वो लोग पढ़ते थे तो वो लोग इन द सेंस वो लोग देखते थे, लाइक करते थे, तो वो लोग को थोड़ा बहुत पता है कि ये बंदा मशीन लर्निंग पे थोड़ा बहुत काम करता है। और भी मैं अगर कोई भी चीज सीखूं या कुछ करूं, मैं थोड़ा बहुत लिंक्डइन में एक नॉलेज शेयर टाइप का करता था ये चीज। तो मतलब ये ऐसा है कि आपको स्टैंड आउट करने के लिए जो मतलब जैसे आपको पहले तो लिंक्डइन में अच्छा खासा कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा, अगर आपको रेफरल चाहिए तो वो लोग अगर आपका पोस्ट में लाइक करेगा देखेगा, तो आप जब उसको मतलब जब उसका ओपनिंग आएगा आप उसको अगर बोलेंगे कि मुझे रेफरल चाहिए चाहिए, तो चांसेस है कि आपको वो मतलब रेफरल दे, तो ये एक चीज है। नहीं तो अचानक से कोई आता है और एक रिज्यूमे में दे देता है और बोलता है कि मुझे रेफरल चाहिए, तो वो लोग का है कि लाइक ठीक है, मतलब वो लोग यही सोचता है कि वो देखता है कि ना ना तो ये मास्टर्स किया है, ना इसका प्रीवियस कोई मशीन लर्निंग का काम है, आजकल तो सब लोग मशीन लर्निंग एआई पे काम करना चाह रहे हैं तो हम इसको क्यों दें। तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा करना पड़ेगा, मतलब आपको मतलब पहले तुमको एक अच्छा अपना रिज्यूमे बनाना है और उसकी विजिबिलिटी को मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक विजिबिलिटी के लिए मेहनत और लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट वगैरह भेजा और एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया। ओके, दिस विल एक्चुअली हेल्प। एक दो लास्ट क्वेश्चन सौमिक, अब लंबा हो गया इंटरव्यू। जैसे तुमने सॉफ्टवेयर में भी काम किया 6-8 महीने जितना भी तुमने बोला, एंड नाउ यू आर वर्किंग विद डेटा, तो कैसा है मतलब दोनों में एक्सपीरियंस, व्हाट वुड यू प्रेफर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जैसे मैंने सॉफ्टवेयर में काम कर रहा था तो तब ऐसा लग रहा था कि लाइक इस सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम है कि बहुत एक टाइप का काम आपको सालों भर करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि सपोज आप जावा या पाइथन पे काम कर रहे हैं तो पहले पहले बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आप नया प्रोजेक्ट्स में हैं, सब कुछ नया चीज है, लेकिन 1-8 महीने बाद आपको लगेगा कि अरे ये तो हम करते ही थे, यहाँ से कोड उठा लो, वहां से कोड उठा लो, अगला प्रोजेक्ट बन गया। तो आपको अगर चिल रहना है कि नहीं एक अच्छा कंपनी सॉफ्टवेयर में हम करेंगे और कोई उतना ये नहीं है कि ठीक है सेम टाइप का काम करना, हमको उतना पैशन वाला चीज नहीं है, ठीक है कोडिंग करेंगे नॉर्मल जैसा है, तो सॉफ्टवेयर अच्छा है। लेकिन जैसे मशीन लर्निंग पे एक तो बात है कि ऐसा नहीं है कि मशीन लर्निंग पे सैलरी ज्यादा है तो आपको स्विच करना, ये बहुत खराब चीज है कि लोग आजकल बोलते हैं कि यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट ज्यादा है, तो क्योंकि आज अगर आप देखेंगे धीरे धीरे मशीन लर्निंग का भी एवरेज सैलरी कम होते आ रहा है, क्योंकि लोग हायर हो रहा है, लोग हायर हो रहा है, लेबर बढ़ रहा है, जो हाइक था मशीन लर्निंग का जो चीज था वो कम हो जा रहा है क्योंकि लोग हायर हो रहा है, बहुत जन को भी मशीन लर्निंग पता है, बहुत लोग बहुत जगह से कर रहा है, बहुत लोग को बहुत कुछ पता है। हाँ ये बात है कि एकदम रियली पूरा ऐसे मशीन लर्निंग सबको सही से नहीं पता है, लेकिन बहुत लोग भी मशीन लर्निंग लेके डिस्कस और अच्छा वाला वो हो गया। तो अगर आपका ये मोटो है कि नहीं सैलरी ज्यादा है तो हम मशीन लर्निंग पे स्विच करेंगे, तो ये बहुत खराब, मतलब ये एकदम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप जब वहां पे जाएंगे मशीन लर्निंग पे रैदर देन कोडिंग आपको बैठ के एनालिसिस रिसर्च पेपर पढ़ना, फिर क्योंकि आपको किसी का रेवेन्यू या किसी का बिजनेस को बढ़ाना है मशीन लर्निंग पे, यही मतलब एकदम अगर मोटो सर्विस बेस का मैं बात कर रहा हूँ, सर्विस बेस का मैं बात कर रहा हूँ कि क्लाइंट्स का आपको आपको एक सॉल्यूशन देना है जो वो लोग के लिए वर्क करे, तो उसके लिए आपका मतलब ऐसा पैशन होना चाहिए कि हमको एनालिसिस पसंद है, हमको डेटा सही लगता है देख के, डेटा पे काम करना पसंद है, तो तब आपको इसमें मूव करना चाहिए।
नहीं तो मतलब ये पूरा ही है कि आपको किस चीज में एंथुसियाज्म है। ये नहीं होना चाहिए कि डेटा साइंटिस्ट होंगे तो सुनने में बहुत कूल लगेगा और बहुत सारा मतलब अपॉर्चुनिटी से आगे जाके, तो ऐसा नहीं है। आगे जाके हमको ये लगता है कि जैसे ब्लॉकचेन आगे बढ़ रहा है और भी बहुत सारा डेवॉप्स का एक डेवॉप्स जो चीज है सब चीज में ही आपका डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो डेवॉप्स वाला जो डोमेन है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा बहुत सारा डोमेन्स आ जाएगा डेटा साइंस के साथ साथ, सब लोग मिलके होगा। मतलब ऐसा नहीं है डेटा साइंस में आप जाएंगे तो आपको पूरा लाइफ सेट है, ऐसा है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ये लगता है मुझे जैसे डेटा साइंस, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि डेटा साइंस बहुत पसंद था, लेकिन मैं जब करते रहा और मतलब हैकेथॉन्स गूगल का एमएल का न्यूज पढ़ता था मैं, फिर यूट्यूब में कुछ कुछ ब्लॉग्स, स्पॉटिफाई में कभी कभी पॉडकास्ट वगैरह देखता था, तो मुझे बहुत रियल लाइफ लगता था। मुझे लगता था इस पे काम करेंगे तो लगेगा ऐसे मतलब हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो राइट ऐसा टाइप का एक मतलब माइंडसेट है। तो उसके लिए मुझे डेटा साइंस अच्छा लग रहा है। तो ऐसा अगर माइंडसेट लोगों का रहे तो डेटा साइंस मशीन लर्निंग पे मूव करना चाहिए, नहीं तो सॉफ्टवेयर में भी बहुत कुछ एक्सपोज कर मतलब आपको देखने के लिए, चीज के लिए बहुत कुछ है सॉफ्टवेयर में भी। अच्छा तो ऐसा नहीं। एक दो क्वेश्चंस लास्ट। जैसे अभी तुमने हाँ बोला टाइगर इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी, तो एक पूरे हाँ टाइम डिबेट चलता रहता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वर्सेस सर्विस बेस्ड कंपनी, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करने का? सर्विस बेस्ड कंपनी मतलब यहाँ पे है क्या मल्टीपल क्लाइंट्स है, तो आपको हमेशा अच्छा अच्छा नया नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलते रहेगा कि ये लोग सीपीसी में काम कर रहा है, कोई सपोज मेडिकल डोमेन पे काम कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, कोई कुछ और चीज में काम कर रहा है, तो आपका जो लर्निंग का ब्रेथ है वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। और प्रोडक्ट में है क्या, प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे उसका रिलीज पे काम होता है, उसको और इम्प्रूव करता है, तो उसपे ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा सीख पाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट पे है कि आप बहुत डेप्थ में सीख पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में आपको तो उसको और अच्छा और मॉडिफाई करना है, तो आप बहुत डेप्थ में सीख पाएंगे। लेकिन सर्विसेज में ऐसा है कि आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत टाइप का चीज सीख पाएंगे। कोई AWS में डिप्लॉय कर रहा है, कोई अपना ऑन प्रेम सर्वर में डिप्लॉय कर रहा है, किसी का डेटा सेट मतलब किसी का बहुत रॉ डेटा सेट है, किसी का ऐसा डेटा सेट है, किसी का वैसा डेटा सेट है, बहुत सारा डेटा सेट के साथ आप काम कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बेस में तो आपको सब कुछ पता है स्टार्टिंग से, तो हमको ये लगता है कि अगर आपको मतलब ऐसा पसंद है कि हमको मल्टीपल डोमेन्स पे काम करना है, बहुत कुछ मतलब आपको देखना है, रिसर्च करना है, तो सर्विस बेस इज अ गुड ऑप्शन। क्योंकि हाँ प्रोडक्ट बेस में सैलरी एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा है मतलब कंपेयर टू सर्विस बेस, लेकिन वही बात है मतलब आपको अगर काम पसंद आएगा तब आप और आगे बढ़ पाएंगे। तो सर्विस बेस मुझे ज्यादा सही लगा, मैं प्रोडक्ट बेस में कोई काम नहीं किया, लेकिन जो दोस्त के साथ मैं बात किया वो लोग बोला कि लोग सर्विस बेस को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई अच्छा सर्विस बेस कंपनी है जो अच्छा खासा क्लाइंट्स लाता है, अगर आप उस पर काम करेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, इवेंचुअली आप प्रोडक्ट बेस में स्विच भी कर सकते हैं आपका राइट। अगर अच्छा खासा नॉलेज हो जाए। चलो लास्ट क्वेश्चन सौमिक, मान लो तुम्हारी हाँ तरह ही कोई एक स्टूडेंट है जो अभी Tier 3 कॉलेज से पास आउट हुआ है और वो अपना हाँ पहला डेटा साइंस जॉब लेना चाहता है, तो बुलेट पॉइंट्स में हाँ क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए तुम्हारे हिसाब से टू गेट योर फर्स्ट जॉब अकॉर्डिंग टू यू? हाँ तो पहला पॉइंट ये है कि पाइथन या आर, मतलब पाइथन ही अभी है, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेप्थ में सीखो। दूसरा है कि SQL सीखो। तीसरा है स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स अगर पसंद नहीं है तो बाद में सीखो, लेकिन सीखना है अगर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आता है। तीसरा पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट है कि आपको देखते रहना है, लाइक यूट्यूब में या कहीं पे अच्छा प्लेलिस्ट, जैसे आपका प्लेलिस्ट है जो एकदम इलाबोरेट करके, जैसे हम लोग हिंदी में अच्छा समझते हैं इंग्लिश से थोड़ा बहुत, तो ऐसा कौन कौन सा प्लेलिस्ट है वहां से सीख के तुमको और समझ आएगा। तो कोई एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो करो और उसको देखते रहो, उसके हिसाब से तुम सीखो। और सपोज आप लिनियर रिग्रेशन सिखा रहे हैं तो लिनियर रिग्रेशन रिलेटेड क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, मतलब क्या क्या डेटा सेट है जो लीनियर रिग्रेशन उसका नेचर है, तो वो प्रोजेक्ट अगर कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें ज्यादा, ठीक है, लेकिन आप मतलब बहुत कुछ स्टेप सीख स्टेप पाओगे। 1 में आप बोल सकते हो कि सारा चीजों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से पढ़ लो, स्टेप 2 में उससे रिलेटेड हाँ प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर लो हाँ 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 उसके बाद। और अभी आजकल जो हो गया है, क्योंकि अगर आपको एकदम फ्रेशर कॉलेज से निकल के आपको डेटा साइंस मिलना मुश्किल है, ये हो सकता है कि कॉलेज में कोई डेटा साइंस का कंपनी आए तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आपको एकदम मतलब आप हम मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सपोज तुम 1 साल कहीं काम कर रहे हो, उस 1 साल में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है,
मैं वो सोच के बोल रहा हूँ. ओके, तो उस एक्सेल में तुमको ये भी करना है कि कोई पर्टिकुलर का क्लाउड में तुमको कोई क्लाउड का कुछ भी पता है. सपोज ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन कर लो, वो ज्यादा हेवी हो जाएगा. तुम बस सर्टिफिकेशन का मतलब उसमें जो जो चीज होता है वो पढ़ लो, तो ये लोग ये पता रहेगा कि बंदा को डिप्लॉयमेंट भी आता है. तो आजकल डिप्लॉयमेंट क्योंकि सब कुछ इंडस्ट्री में तो मतलब अल्टीमेटली एंड टू एंड वाला सीसी सबको सॉल्यूशन चाहिए, तो उसको डिप्लॉयमेंट आता है. ठीक है, तो एक कोई भी एक क्लाउड पढ़ लो, AWS, GCP या Azure में जो भी अच्छा लगता है वो एक पढ़ लो. तो इतना तो हो गया. उसके बाद जैसे मैं वो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स वाला पार्ट को ऑमिट किया, फिर तुम मतलब स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स को मतलब उसको मतलब ब्रशअप करते रहो. मतलब कैसे है, मतलब स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स वाला चीज ऐसा कि एक बार अगर समझ गया है ना तो बहुत ज्यादा मतलब वो होगा, तो कहीं पे नोट डाउन कर उसको रिवाइज करते रहो ऐसे करके. ओके, ये 5-6 पॉइंट्स. और उसके बाद हाँ अच्छा कनेक्शन बनाओ. और भी है, और भी है पॉइंट्स, जैसे अच्छा कनेक्शन बनाना है आपको लिंक्डइन में. हाँ, सीनियर्स लोग के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो उसके साथ कनेक्शन बनाना है, उससे सजेशन लेना है, क्योंकि पर्टिकुलरली वो उस समय काम कर रहा है तो बोल पाएगा कि तुम अभी थोड़ा ओपन सीबी के ऊपर काम करो, अभी आजकल बहुत रेफरल बहुत हायरिंग हो रहा है ओपन सीबी का, बहुत सारा कंपनीज आया है. तो वो लोग के साथ बात करते रहना, तो कनेक्शन बढ़ाना है. अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है. अपना अगर वेबसाइट रहा तो बनाना बहुत आसानी है, लेकिन हम लोग अगर समराइज करें तो यू आर सेइंग कि सारे के सारे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो तुमने बताए वो पहले पढ़ लो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर लो, इफ पॉसिबल डिप्लॉयमेंट सीख लो, इसके साथ साथ एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो विच इंक्लूड्स अ गुड रेज्यूमे, अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन पे अपना एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करो, वहां से रेफरल्स निकलेंगे, इंटरव्यूज दो और अगर नॉलेज होगा तो क्रैक करोगे. तो दिस इज द पाथ दैट यू हैव फॉलोड, यही निकला तुम्हारा. चलो एक लास्ट चीज, योर फेवरेट रिसोर्सेज यू हैव टू शेयर जो तुमको सबसे ज्यादा हेल्प किए जॉब क्रैक करने में, जो बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं. बेस्ट रिसोर्सेस मुझे लगा कि एज ए बिगिनर, जैसे मैंने बोला कि आपका जो प्लेलिस्ट है, जैसे आपका जब प्लेलिस्ट शुरू हुआ था मैं उतना फॉलो नहीं करता था, लेकिन आपका जब 40-50 वीडियोस बन गया तब मैं सब देखने लगा ना, मतलब ये हेल्प हुआ ना. 109 वीडियो जिसमें है उसमें मतलब ये हुआ ना, टाइगर फैक्टल का बहुत सारा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ना आपका वीडियो से आया है. मतलब आपका वीडियोस का कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कशन हुआ है, वो पॉइंट्स को आया है, तो आपका वीडियो से अगर कोई सीरियसली करे ना, उस अगर वो फ्रेशर बन रहा है ना, या फ्रेशर भी नहीं, अगर वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे भी है, उसका जॉब होना बहुत पक्का है. मतलब वो अगर सही से समझे सही से करे तो हाँ. लेकिन आपका वीडियोस में जैसे प्रोजेक्ट्स उसमें उतना नहीं है, तो प्रोजेक्ट उसको खुद से करना है, कहीं से उसको डेटा सेट लेके करना है. ठीक है, और मैं पर्सनली जैसे चेकोरी श्रीकांत वर्मा का अप्लाइड AI वाला करा था, वो बहुत बहुत ज्यादा, अगर आपके पास बहुत खाली टाइम पड़ा हुआ है कि आप बहुत टाइम देने में मतलब आप पूरा मोटिवेटेड है कि आपको करना ही है, क्योंकि उसका असाइनमेंट बहुत ज्यादा हार्ड होता है. बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मतलब वो लोग उतना कोड असाइनमेंट देते हैं, अगर सही नहीं हुआ वो लोग फिर से रिजेक्ट कर देते हैं, आपको फिर से डालना है. तो उसपे भी ऐसा है कि हम ये नहीं बोलेंगे वो कोर्स ले लो और पढ़ लो, क्योंकि वो इतना आसान नहीं कि कोर्स लेंगे तो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंटेंट है और बहुत असाइनमेंट्स है. तो अगर आपको ऐसा लगा कि आपका प्लेलिस्ट होने के बाद आपको अगर ऐसा लगे, सपोज आपका प्लेलिस्ट से कोई शुरू किया, कृष नायक एक जन है, उनका थोड़ा सा डेप्थली है लेकिन उनका अच्छा है, मतलब उनका बहुत कंटेंट है, कुछ भी आप सर्च करेंगे तो कृष नायक से मिल जाएगा. तो आपका कृष नायक का जितना लोग का है वहां का देख के ये जान लो कि हाँ मुझे मशीन लर्निंग पे समझ आ रहा है, हम कर सकते हैं कुछ. तो फिर कोई एक हेवी वाला देखो कि जहाँ पे पूरा ही एकदम मतलब असाइनमेंट्स है ये है, कोई अगर जॉब गारंटी वगैरह दे रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि वो मतलब ठीक है दे सक मतलब हो सकता है यहाँ से रिप्लेसमेंट, तो फिर तुम परचेस करो. नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा कि कहीं से कुछ मतलब खर्चा या एक्सपेंसेस करने की जरूरत है. इतना फ्री रिसोर्सेस पड़ा हुआ है, फ्री रिसोर्स को हम लोग को सबको सपोर्ट करना चाहिए. तो फ्री रिसोर्सेज जितना तुम सीख सकते हो अच्छा है, तो ऐसा ही है. तो अभी तक तुमने 3 नाम लिया, मेरा चैनल का बोला, श्रीकांत सर का बोला, कृष्ण नायक बोला, के अलावा और कोई ब्लॉग्स एंड ऑल कुछ भी है? अगर ब्लॉग्स मतलब रेडिट में पढ़ता हूँ, मेरा टाइगर का भी बहुत लोग है रेडिट पे, मशीन लर्निंग पे बहुत सारा कम्युनिटी है. हाँ, रेडिट पे बहुत अच्छा अच्छा है, रेडिट अच्छा है.
मीडियम तो अच्छा ही है, सबको पता है मीडियम पे कुछ भी आता है. टू वर्ड्स डेटा साइंस का है, टू वर्ड्स डेटा साइंस का जो है वो तो बहुत ही फेमस है. हाँ, फिर डेटा कैम्प पे सुने होंगे. और डेटा कैम्प में क्या होता है ना, आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है. मतलब उसमें मशीन लर्निंग का भी बहुत सारा मॉडल वगैरह आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं कैसा है. तो डेटा कैम्प में भी एक क्यूरेटेड पाथ रहता है कि कैसे कैसे करता है. उसमें आपका पाइथन और एसक्यूएल बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपका हाथ पक जाएगा उसमें करते करते. तो डेटा कैम्प एक अच्छा फ्री रिसोर्स है. और बाकी तो यूडेमी वगैरह अगर देखना है उसमें क्या है. ओके ठीक है सौमिक. सो इट वॉज हाँ ग्रेट यार, मतलब तुमने काफी डिटेल में बताया. मेरे को लगता है कोई भी अगर ये वीडियो हाँ पूरा देखेगा और फ्रेशर है, हाँ मेरे को लगता है उसको काफी गाइडेंस मिल जाएगा. सो थैंक्स फॉर हाँ कमिंग. दिस इज हाँ माई फर्स्ट इंटरव्यू, मतलब इसके पहले मैंने चैनल पर किसी को नहीं हाँ बुलाया. एंड आई थॉट कि मेरा ही कोई स्टूडेंट अगर अगर अच्छा कर रहा है तो मैं पहले उससे हाँ स्टार्ट करता हूँ. दैट्स व्हाई आई कॉन्टेक्टेड यू. एंड थैंक्स फॉर दिस ग्रेट हाँ इंटरव्यू. ठीक है, थैंक्स फॉर कमिंग. और थैंक यू फ्यूचर थैंक यू. में अगर हम लोग कुछ कोलैबोरेट करें तो आई विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट. हाँ ठीक है, या डेफिनेटली. चलो हाँ ठीक है. ठीक है सौमिक, चलो बाय. चलो.